जबकि यहाँ पर अल्लाह के रसूल ने सिर्फ इंसान की बात नहीं, जानवर की बात ही नहीं, माहौलियात की भी बात की अल्लाह के रसूल सल्लम ने, उसके लिए भी उभारा और कुरान ने उसके लिए उभारा। और अल्लाह के रसूल सल्लम ने फरमाया, एक हदीस में ये आता है, ये बिल्कुल मरान की हदीस है, हदीस नंबर 94, के हरे भरे पेड़ के नीचे अगर कोई गंदगी करता है, गिलादत फैलाता है या वहाँ पाखाना पेशाब करता है तो उस पर अल्लाह के रसूल ने 3 बार लानत भेजी। अब वो क्या कर रहा है, वो नुकसान पहुंचा रहा है किसी चीज़ को, क्या कर रहा है वो? सिर्फ अगर गिलादत करता है हरे बड़े पेड़ के नीचे, जो छायादार पेड़ है जिसके नीचे जानवर भी आकर बैठते हैं, मुसाफिर भी आकर बैठते हैं, उसके नीचे छाँव है, और वहाँ कोई अगर गंदगी करता है तो 3 बार लानत भेजी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इतना हमको ये मिलता है कि सिर्फ कोई नहीं कि सिर्फ इंसान की सेवा या जानवरों की या दूसरी चीज़ों की, यहाँ तक कि जो पर्यावरण है उसको भी साफ रखा जाए, तो ये हमको इसमें मिलता है।